कि आप निकालना चाहते हैं एनपीएस का पैसा। अब बदल गए हैं पैसे निकालने के नियम। जाने अब कैसे आप निकाल सकते हैं पैसा। कोविड के समय में कई लोगों को फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के सदस्यों ने अपनी जमा राशि को आंशिक रूप से निकालने का काम किया। हालांकि अब पैसे निकालने के संबंध में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इस वीडियो में आज हम इसके बदलते नियमों की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। क्या है नियम? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एनपीएस में पैसे निकालने को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सरकारी क्षेत्र के सभी सब्सक्राइबर यानी केंद्र, राज्य और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के सब्सक्राइबर अब आंशिक निकासी यानी एनपीएस आंशिक निकासी यानी समय से पहले कुछ पैसा निकालने के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस आवेदन को केवल नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा। पहले क्या दी थी अनुमति? इससे पहले पीएफआरडीए ने जनवरी 2021 में एनपीएस सब्सक्राइबर्स को सेल्फ डिक्लेरेशन की मदद से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी थी। सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजे गए इन ऑनलाइन आवेदनों को सीधे सेंट्रल रिकॉर्डिंग कीपिंग एजेंसी यानी सीआरए सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस्ड किया गया और इसके बाद इंस्टेंट बैंक खाता वेरिफिकेशन किया गया। कब से लागू होंगे ये नियम? ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। पीएफआरडीए ने इस मामले में सब्सक्राइबर्स के फायदे के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। एनपीएस निकासी के अनुसार एनपीएस में कम से कम 3 साल के लिए निवेश किया जाना जरूरी है। सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25% की निकासी संभव है। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान कुल 3 बार निकासी संभव होगी। कुछ महत्वपूर्ण कारणों से आंशिक निकासी संभव है। एनपीएस निकासी नियमों के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकाला जा सकता है। बच्चों की शादी के विवाह के लिए पैसा निकाला जा सकता है। घर की खरीद और निर्माण के लिए पैसा निकाला जा सकता है। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसा निकाला जा सकता है। एनपीएस में निवेश के फायदे। एनपीएस में निवेश करने के कई फायदे हैं। इनमें नेशनल पेंशन सिस्टम 80 CCD के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ मिलता है। आप मेच्योरिटी पर जमा राशि का 60% तक निकाल सकते हैं। बाकी पैसा पेंशन या एन्युटी के लिए रखा जाता है। ये नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाता है और भारत सरकार के तहत पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए द्वारा संचालित है। इसीलिए इसमें निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित है। एनपीएस को ऐसे करें रीएक्टिवेट। एनपीएस खाता और पीआरएएन को तब इनएक्टिवेट या फ्रोजन मान लिया जाता है यदि ग्राहक इसमें न्यूनतम वार्षिक राशि का निवेश नहीं करता है। ऐसे में खाते को रीएक्टिवेट या अनफ्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। खाते को अनफ्रीज करने के लिए ग्राहक को फ्रीज अवधि के दौरान न्यूनतम योगदान का कुल भुगतान करना होगा, साथ ही 100 रुपए का जुर्माना। खाते को अनफ्रीज करने के लिए आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर जाना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। ईएनपीएस खाते के योगदान ऑनलाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड रिटर्न्स के साथ।